क्लास एट्थ, आज हम इसकी एक नई एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं 9 यूनिट की। उस एक्सरसाइज का नंबर है 9.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। ये देखो, ये मोनोमियल का एक पेयर दिया हुआ है, ये भी सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। क्या दिया हुआ है, एक पेयर दिया हुआ है किसका, मोनोमियल्स का। इधर भी एक पेयर दिया मोनोमियल, इधर भी, हर पार्ट में आपने हर पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो किताब अपनी पास रख लेना, एक्सरसाइज 9.2। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, किसकी प्रोडक्ट निकालनी है आपने, ए पार्ट नहीं है, रोमन में नंबर है, फर्स्ट पार्ट है 4 और फिर 7p को। ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, कैसे पता चला मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 7p के साथ। पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 4 7 कितना होता है, 28 होता है नहीं, और साथ में ये पी आ गया, ख़त्म हो गया, ये इतना आसान। सेकंड पार्ट किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड पार्ट में माइनस 4p और फिर कामा 7p। तो पहले क्या करेंगे हम, नंबर को नंबर के साथ, 4 7 28, तो ये माइनस का साइन भी आ गया। फिर ये देखो पी है और ये भी क्या है, तो दोनों पी को मल्टीप्लाई करना है, पी इंटू पी होता है पी स्क्वेयर, ऊपर ऐसे पावर आ जाती है, पी स्क्वेयर आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है माइनस 4p कामा 7pq। ध्यान से देखना इसको, अभी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 4 7 28, साथ में ये माइनस का साइन मत भूलना कहीं। फिर पी और पी को मल्टीप्लाई करो, जैसे इधर किया था पी और पी, क्या आ गया था, पी स्क्वेयर आ गया था, और साथ में ये क्यू भी आ जाएगा, क्यू और किसी से मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, एक बार ही आ जाएगा। आप देखो ये कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है 4p³ कामा माइनस 3p, करो नंबर को नंबर से, 4 3 12, और ये माइनस का साइन, p की पावर कितनी है 3 और इधर कितनी है 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, p की पावर 4 आ जाएगी। कैसे 4 आई, 3 इधर थे पी और 1 इधर था, तो बेसिस जब सेम होते हैं पावर को प्लस कर देना होता है, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो पी की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। फिफ्थ पार्ट 4p, 0, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, 4p को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। या आपने कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा इसमें, 0 को कभी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 आ जाए तो बड़ी से बड़ी रकम भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं एक बार दोबारा बुक आपके सामने करने लगा हूँ। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया ना, उसको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ जाएगा। हर पार्ट में मोनोमियल का पेयर दिया हुआ है, हर पार्ट में क्या, मोनोमियल का पेयर दिया हुआ है। ये देखो फर्स्ट में पी एक मोनोमियल, क्यू दूसरा मोनोमियल, सेकेंड पार्ट में 10m एक मोनोमियल, 5n दूसरा मोनोमियल। चलो लेते हैं पार्ट्स को लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट,
क्या था ये? पी क्यू। इनमें से एक मोनोमियल जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी और दूसरा जो मोनोमियल है वो क्या बन जाएगी? उसकी ब्रेड्थ बन जाएगी। तो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। किसके बराबर? पी के बराबर। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वो किसके बराबर? क्यू के बराबर। एरिया निकालना, देयरफॉर एरिया उसका फार्मूला याद रखना, लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है ब्रेड्थ के साथ। लेंथ कितनी थी? पी, मल्टीप्लाई करो क्यू के साथ, तो ये क्या आएगा? पी क्यू। और साथ में ये हर पार्ट में लिख लेना है, स्क्वेयर यूनिट, ये हर पार्ट में लिखना है। क्या लिखना है? स्क्वेयर यूनिट। सेकेंड पार्ट, उसमें देखो क्या है, 10 m और 5 n। ये एक मोनोमियल, ये दूसरा मोनोमियल, एक लेंथ बन जाएगा। आप पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, l इक्वल टू 10 m, या पूरा लिख लो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिर ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, या जैसे मैंने लिखा ब्रेड्थ के लिए b इक्वल टू 5 n। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 10 m मल्टीप्लाई 5 n। मल्टीप्लाई करो नंबर को नंबर के साथ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था आपने, 10 5 सर कितना हो गया? 50, साथ में m और साथ में n। और मैंने ये बोला था ये आपने सेकंड क्वेश्चन में लगाना ही लगाना है, स्क्वेयर यूनिट। आ रहा ना समझ? ये अब इसके बाद देखो इसका अगला पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या मोनोमियल है? अभी लिखते हैं हम थर्ड पार्ट के मोनोमियल। तो थर्ड पार्ट में आ गया ये 20 x² और 5 y². तो लेंथ कितना आ गया? 20 x² आ गई लेंथ। ब्रेड्थ कितनी आ गई? 5 y², तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या फार्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितना? 20 x² मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना? 5 y² करो मल्टीप्लाई, 25 कितना हो गया? 100 x² साथ में y², और फिर क्या लगाना है? स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट, वो क्या मोनोमियल दिए हुए हैं? 4 x और फिर कितना दिया हुआ है? 3 x². तो लेंथ कितनी आ गई? 4 x। ब्रेड्थ कितनी आ गई? 3 x². तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या फार्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 4 x मल्टीप्लाई 3 x², 4 3 12, एक्स और x², एक एक्स इधर था, दो इधर, तो एक्स की पावर 3 आ गई। स्क्वेयर यूनिट पार्ट 5 जो है इसको खुद करना है आपने। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इनको ध्यान से समझ के कॉपियों पे नोट कर लेना।